नमस्कार, आप सबका स्वागत है। चारा घोटाले के एक मामले में दोषी साबित होने के बाद गुरुवार को भी कड़ी सुरक्षा के बीच लालू प्रसाद की पेशी हुई। कोर्ट कैंपस में बड़ी संख्या में लालू के समर्थक मौजूद थे। वहीं पुलिस ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को भी तैनात किया था। अब शुक्रवार को लालू प्रसाद के सजा की बिंदुओं पर कोर्ट में सुनवाई होगी। संभावना जताई जा रही है कि शुक्रवार को सीबीआई के विशेष जज शिवपाल सिंह सुनवाई के बाद लालू प्रसाद को सजा सुनाएंगे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद ने जज से कहा कि उन्हें जेल में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें जेल में लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, ठंड भी बहुत लगती है। इस पर जज ने कहा कि इसी कारण से तो आपको कोर्ट में बुलाया जाता है, ताकि आप अपने लोगों से मिल लें। ठंड लगती है तो जेल में हारमोनिया तबला बजाइए, मस्त रहिए। लालू ने कोर्ट में जज के सामने फिर दोहराया कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, वे निर्दोष हैं। जज ने कहा कि उस समय सीएम आप ही थे, वित्त मंत्री भी तो आप ही थे, आपने त्वरित कार्यवाही नहीं की। फिर जज ने कहा कि आप जाइए, आज तो आपका नंबर भी नहीं है। इसके बाद लालू ने कहा कि हम भी वकील हैं जज साहब। इस पर जज ने कहा कि आप जेल में कोई डिग्री ले लीजिए। फिर लालू प्रसाद ने कहा, ठंडा दिमाग से सोचने से सब अच्छा हो जाता है जज साहब। जज बोले, हम किसी की नहीं सुनते, आपके शुभचिंतक लोगों के दूर दूर से फोन आ रहे हैं। फिर जज ने लालू से कहा कि यदि आपको कोर्ट आने में परेशानी होती है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लिया जा सकता है। इस पर लालू प्रसाद ने जवाब दिया कि नहीं, वो आ जाएंगे, कोर्ट आने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जज ने कहा कि ऐसे समय में बुलाएंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा।